कांग्रेस, तो इसमें जो विद्यार्थी चयनित होते हैं उनको वैज्ञानिक का, बाल वैज्ञानिक का दर्जा दिया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बालिकाओं में यह विज्ञान के प्रति का जो है झुकाव लाया जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में आप कितना रुचि लेते हैं रखें, ये आपका एक मुख्य विषय है। इसमें जैसा कि सर ने बताया आपको कि इसमें कोई मॉडल वगैरह बनाने की आवश्यकता इसमें होती नहीं है। हम लोग कार्य करके एक लघु शोध प्रबंध है, इसमें पीएचडी करते हैं तो जो है एक शोध पत्रिका लिखी जाती है, एक शोध प्रबंध लिखा जाता है और वही कार्य छोटे स्तर पर। जनपद स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी में आज सफल हुए जो प्रतिभागी हैं उनका नाम मैं बता रहा हूँ। इसमें जो जूनियर वर्ग था इसमें प्रिया सिंह और उनका ग्रुप है वाल्मीकि इंटर कॉलेज बलुआ। इस टीम ने दूसरे इसमें स्थान पे वेटिंग लिस्ट रखा गया है क्योंकि इसमें जो है जो जो हमारे निर्णायक मंडल थे उनके अनुसार जो है जो क्राइटेरिया था उस हिसाब से जो मानक था उस मानक के हिसाब में जो है बच्चे नहीं आ पा रहे थे लेकिन उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है कि अगर पहला स्थान पर जो टीम है अगर वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाता है इस कारण से जो
राज्य स्तर पर जिस दिन जाना है अगर कोई ऐसी बाधा उत्पन्न होती है तो उसके बाद वाली टीम को जो है स्थान दिया जाएगा। तो उसमें जो है उसके लिए दूसरे नंबर पर के लिए तैयार केवल रहेंगे जो है, अगर पहले स्थान वाली टीम नहीं जाती है तो दूसरे स्थान वाली टीम को जो है उसको तैयार करा करके उसको भेज जाएगा। तो उसमें दूसरे स्थान पे है सतीश कुमार आदर्श जनता इंटर कॉलेज चतरी, उसके बाद अंश गोयल की टीम है नगर पालिका इंटर कॉलेज बेगूसराय, ये भी मीटिंग लिस्ट में है। लेकिन एक टीम का चयन जो है वो वहां के लिए जूनियर से हुआ है। सीनियर वर्ग की टीम जो 14 साल से ऊपर की उम्र वाले जो बच्चे थे वो सीनियर ग्रुप में है, और इसमें जो है प्रथम स्थान पीयूष मिश्रा, दूसरे स्थान पर है अरबाज अंसारी, और तीसरे स्थान पर ज्योति यादव नगर पालिका इंटर कॉलेज मुगल। सारी बातें आप यहाँ से लेकर के जा रहे हैं यही महत्वपूर्ण है, और फिर भी ये बताना ही अब उचित है कि इन प्रतिभागियों में कौन से अच्छा जी सबसे अच्छे, और कुछ वेटिंग में भी रहेंगे उनका जो है नाम जो है सर्व है। जितने भी प्रतिभागी थे सबने जो है बहुत मनोयोग से इसमें प्रतिभाग किया,